نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين صدق الله العظيم। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल व करम से हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो शरीयत अता फरमाई है वो मुकम्मल निज़ाम हयात है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, कामिल व मुकम्मल तरीका ज़िंदगी गुजारने का। अब शरीयत की तरफ से हमें मुआशरती जो अहकाम मिले हैं उनमें से बहुत सारे अहकाम पर गैरों की तरफ से बहुत सी मर्तबा एतराज़ात किए जाते हैं। उन अहकाम में से एक हुक्म है पर्दे का। पर्दे के मुतालिक भी गैरों की तरफ से बहुत ज़ोर शोर से एतराज़ात उठाए जाते हैं। आज हम पर्दे के मुतालिक तीन सवाल जो गैरों की तरफ से होते हैं और उनके जवाब सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहला सवाल ये है, कहने वाले यूँ कहते हैं कि इस्लाम ने मर्दों को तो खुला और आज़ाद छोड़ दिया और औरतों को पर्दे के बंधन में बांध दिया, कैद कर लिया। दूसरा सवाल ये करते हैं कि पर्दा ये तो औरत के लिए कैद है, पिंजरा है, और ये तो औरत को बांध के रखने की एक चीज है और इसमें औरत की जिल्लत और रुसवाई है। और तीसरी बात भी बयान करते हैं कि पर्दा औरत की तरक्की में रुकावट बनता है। तीन सवाल। पहला एतराज उनका ये है कि औरत को बांध के रखा, मर्द को खुला छोड़ दिया, लेकिन ये बात गलत है। सिर्फ औरतों को पर्दे का हुक्म नहीं है, मर्दों को भी हुक्म है। चुनांचे हम जानते हैं कि मर्द का नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक का कुछ हिस्सा इसको सतर कहा गया है और इसका छुपाना शरीयत ने वाजिब करार दिया है। हत्ता के अगर इस हिस्से के खुले हुए होने की हालत में कोई नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। ये मर्दों का पर्दा है, शरीयत ने सिर्फ औरतों पर पाबंदी नहीं लगाई, मर्दों पर। अब ये नाप से लेकर घुटनों के नीचे तक ये तो वाजिब कंपलसरी, लेकिन उसके ऊपर का जो हिस्सा है गर्दन से लेकर कमर तक का, उसका दांतना भी मुस्तहब है और लोग पहले से उसको दांतते चले आए हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए दो चादरें रखते थे, एक नीचे को बांधते थे जिसको तहमन कहते हैं और एक ऊपर डालते थे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तहमन पहनकर नमाज पढ़ी, ऊपर चादर नहीं डाली थी, जो भी वजह हो। देखने वाले सहाबाई किराम को हैरत हुई, ऊपर का हिस्सा खुला है और हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। यह हैरत होना इस बात की दलील है कि पहले जमाने में भी ऊपर का हिस्सा छुपाया जाता था, तभी तो हैरत हुई। अगर आम रिवाज होता ऊपर के हिस्से के खुले रखने का तो देखने वाले को कोई एतराज नहीं होता, हैरत नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ कि सहाबाई किराम को हैरत हो रही है, मैंने सिर्फ नीचे की तहबन पहनकर नमाज पढ़ी इस वजह से, तो हुजूर ने नमाज से फारिग होकर सहाबाई किराम की हैरत और ताज्जुब को दूर करने के लिए कहा कि क्या मेरे हर उम्मती को दो चादरें मिल जाएगी, यानी मेरे उम्मत में ऐसे गरीब लोग भी आएंगे जिनके पास दो कपड़े नहीं होंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक कपड़े में भी नमाज हो जाती, सतर छुपा कर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। इस वाक्य से मालूम हुआ कि पहले से ये ऊपर से नीचे तक छुपाने का रिवाज है, दस्तूर है।
और अरब लोग जो जुब्बा पहनते हैं वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि आदमी के गर्दन से लेकर नीचे तक का हिस्सा छुपा रहे। हुजूर और सहाबा किराम दो चादरें डालते थे, आज के दौर में अरब लोग एक पूरा जब्बा पहन लेते हैं। तो मर्दों के लिए भी ऐसी बात नहीं है कि पर्दे का हुक्म ना हो, उनको बिल्कुल खुला और नंगा घूमने की शरीयत ने आज़ादी हो, सिर्फ औरतों पर पाबंदी लगाई हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ इतनी बात है कि मर्दों के सतर के मुकाबले में औरतों के पर्दे के अहकाम ज़्यादा टाइट, उनको अपने जिस्म का अक्सर हिस्सा छुपाना ज़रूरी करार दिया गया है। कि मर्द का सतर तो नाक से लेकर घुटनों के नीचे तक, लेकिन औरतों में तो चेहरे और हाथ हथेलियों तक और पैर टखनों तक, इसके अलावा पूरा जिस्म पर्दे में दाखिल करना, इतना ज़्यादा है। अब सवाल ये होता है कि मर्दों के मुकाबले में औरतों को ज़्यादा क्यों, ये बेइंसाफी हुई, जितना मर्दों का उतना औरतों का रखा जावे। इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फितरी तौर पर, तखलीकी तौर पर यानी पैदाइश के एतबार से अल्लाह ताला ने औरत के पूरे जिस्म को पुरकशिश बनाया है, कशिश वाला बनाया है। अब लोगों की निगाह जाएगी इसलिए उसको दागने का हुक्म दिया गया, और ये औरत का पैदाइशी एतबार से पुरकशिश होना दुनिया के तमाम मजहबों ने माना है, और उन्होंने अपनी औरतों को हुक्म दिया है कि अपने पूरे जिस्म को छुपाएं। शुरुआत करते हैं हिंदू मजहब से, जिनमें से कुछ लोगों को आजकल बहुत परेशानी है पर्दे से। हिंदू मजहब में सीता जी एक बहुत बड़ा किरदार है, रोल मॉडल है उनके लिए, बड़ी शख्सियत है सीता। उनके बारे में उन्हीं की किताबों में यूं लिखा है कि उनको जब दुश्मन उठाकर ले गए थे, सीता जी ने दुश्मनों के बीच में भी अपनी इज्जत और पाक दामनी का ख्याल रखा, अपनी इज्जत को दागदार नहीं होने दिया, धब्बा नहीं लगने दिया। इधर राम के भाई लक्ष्मण, उनको जब लोगों ने कहा कि अपनी भाभी को चेहरा देखकर पहचान लो, उस वक्त लक्ष्मण ने यूं कहा था कि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, ये पर्दा नहीं तो और क्या है। हाँ मैंने सिर्फ अपने भाभी के कदम देखे हैं, चेहरा आज तक नहीं देखा, ये तो पर्दा है। अगर वो अपने जिस्मों को खुली रखते तो ये कहने की नौबत नहीं आती। फिर लक्ष्मण ने उनकी किताबों के मुताबिक लक्ष्मण ने उनके पाजेब देखकर पहचाना कि ये मेरी भाभी है सीता। इससे भी मालूम हुआ कि उनके वहां भी पर्दा है। ईसाई मजहब, उनके नजदीक हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ी शख्सियत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा, उनकी माँ, उनका बहुत एहतराम करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं। उनकी भी आज के दौर में उनके चर्चों में जो तस्वीरें होती हैं आप देखेंगे, सिर्फ चेहरा खुला होता है, पूरा जिस्म कपड़ों से ढका हुआ होता है तस्वीर में भी। ये तस्वीर में ढका हुआ कहाँ से आया, क्योंकि वो जानते हैं कि मरियम सिवाय चेहरे के अपने पूरे जिस्म को छुपाती थी। तो यही तो पड़ता है, यही तो हम कह रहे हैं, और अनोखी कौन सी बात है हमारे यहाँ, ईसाइयों के यहाँ भी यही। यहूद, उनकी आज की किताबों में भी उनके बड़े बड़े उलमा औरतों के मामले में बहुत सख्त है, बल्कि इस पर बहस है कि औरत के सर के बाल खुले रखे जाए या नहीं, दूसरा जिस्म नहीं, सर के बाल, दूसरा जिस्म तो छुपाना ही छुपाना है। बहुत बड़े बड़े उनके यहूद के उलमा भी ये बताते हैं कि औरत के सर के बाल भी छुपाए जाएंगे, बल्कि बहुत से मुल्क आज के दौर में ऐसे हैं कि शादी ब्याह के मौके पर जब औरतें सबके बीच में आती हैं तो उनके बाल नजर ना आ जावे, इसलिए उनके सर के बालों को मुंडवा देते हैं। इतनी सख्ती तो हमारे यहाँ नहीं है। तमाम मजहबों ने इसका लिहाज रखा है कि औरत पैदाइश के हिसाब से पुरकशिश है, और पुरकशिश होने की वजह से उसको अपने पूरे जिस्म को छुपाना चाहिए। तो पहला सवाल ये था कि इस्लाम ने मर्दों को आज़ाद छोड़ दिया, औरतों पर पाबंदी लगाई, ये बात गलत है, झूठी है, मर्दों के लिए भी सतर का छुपाने का हुक्म है, औरतों के लिए भी।
मर्दों के मुकाबले में औरत पर ज़्यादा जिस्म छुपाना क्यों ज़रूरी है, ये भी बात आ गई कि तख्लीकी तौर पर, पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला ने उनको पुरकशिश बनाया है। दूसरा एतराज जो गैरों की तरफ से किया जाता है वो ये है कि औरत को पर्दा पहना कर गोया कैद में बंद कर दिया, ये तो उनकी जिल्लती और रुसवाई है, उनकी आज़ादी के खिलाफ चीज़ है। तो क्या इस्लाम ने पर्दे का हुक्म इसलिए दिया कि औरतों को जलील करे, उनको रुसवा करे, उनको कैद में बंद कर दे? ये बात नहीं। फितरी कानून ये है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसको उतना ज़्यादा छुपाया जाता है। उसकी मिसालें हमारे आमने सामने हैं भाई, पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें आपको रोड पर सड़कों पर नजर आएगी, उसको कोई ढांकता नहीं है, लेकिन सोने की कान आपको सड़क के किनारे पर और ज़मीन के ऊपर नज़र नहीं आएगी, वो पत्थरों के नीचे, ज़मीन के दूसरे हिस्सों के नीचे दबी हुई होगी, मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि एक पत्थर के मुकाबले में सोना बहुत कीमती है और कीमती चीज़ों को छुपाया जाता है। बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। इंसान अपने जिस्म के अंदर गौर करे, वैसे इंसान का पूरा जिस्म, पूरी बॉडी कीमती है, लेकिन उसका चेहरा खुला रहता है, हाथ खुले रहते हैं, लेकिन उसका दिल, दिल बहुत ज़्यादा कीमती है जिस्म के अंदर, सरदार। तो उसको अल्लाह ताला ने हड्डियों के कवर के नीचे रखा है हिफाजत के साथ। अक्ल उसका ताल्लुक है दिमाग के साथ, तो दिमाग को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी के नीचे छुपाया है। जो जितना ज़्यादा कीमती होता है उतनी उसकी हिफाजत की जाती है, जो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको उतना छुपा कर, ढाँक कर रखा जाता है। जो लोग पर्दे पर एतराज़ करते हैं उनका दुनियावी दौलत के बारे में रूल्स और कानून देखें कि वो अगर अपना मकान बना रहे हैं तो ईंट, रेती और वो सब तो सड़क पर मिलेगा, लेकिन उनके जेब में जो पैसे हैं उनको सड़क पर नहीं रखेंगे, सोना चांदी उनके पास है उसको सड़क पर नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे घर में, घर में भी सहन में नहीं, अंदर के रूम में, अंदर के रूम में भी खुला नहीं रखेंगे बल्कि तिजोरी में रखेंगे, तिजोरी में भी वो जो अंदर छोटा सा सुराख आता है, छोटा सा लॉकर आता है उसके अंदर रखेंगे, फिर उसको ताला, तिजोरी को ताला, कहीं जाना हो तो घर के मेन दरवाजे को ताला, उसके आगे जो गेट होता है उसको ताला। इतनी ज़्यादा हिफाजत है क्योंकि वो कीमती है, तो उनके नज़दीक भी कीमती चीज़ों की हिफाजत ये फितरी चीज़ है। हमारे नज़दीक दुनिया की मालो दौलत, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती औरतें हैं। तो ये जो दूसरा एतराज़ था कि पर्दा एक कैद है औरतों के लिए, उनके लिए जिल्लत और रुसवाई है, ये बात नहीं है, बल्कि पर्दा औरतों की हिफाजत के लिए है। तीसरा एक एतराज़ कि पर्दा औरतों की तरक्की में रुकावट बनता है। अब ये तो एकदम बेवकूफ़ी वाली बात हुई। आदमी तरक्की करेगा अपनी अकल के ज़रिए, आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, हाथ से काम लेता है, ज़ुबान से खाता और चखता है, नाक से सुनता है, या क्या पर्दे की वजह से दिमाग छुप जाता हो, दिमाग तक बात नहीं पहुँचती हो, ऐसा कोई कह सकता है? पर्दे की वजह से कानों तक आवाज़ नहीं जाती हो, आवाज़ पहुंचने में पर्दा रुकावट बनता हो, ऐसा कोई कह सकता है? पर्दे की वजह से औरत खा नहीं सकती हो, खाना नहीं पहुंचता हो, ऐसा कोई कह सकता है? तरक्की के जितने असबाब हैं उसमें पर्दा बिल्कुल रुकावट नहीं है, ये बिल्कुल झूठा एतराज है। लेकिन असल जो चीज़ है वो इस्लाम दुश्मनी है, इस्लाम दुश्मनी जिसको कहते हैं इस्लामोफोबिया, ये मसला है। वरना अगर कोई अकलमंद हो, समझदार हो, तो अपने मज़हब को भी अगर उठा कर देख ले, मुताला करे अपने मज़हब की किताबों का, तो उसमें भी पर्दे का अहतमाम मिलता है। अब पूरी बात का निचोड़ ये कि पर्दा ये इस्लाम का बहुत बड़ा हुक्म है, उसमें औरतों के लिए भी फ़ायदा है, मर्दों के लिए भी फ़ायदा है, बदनिगाही से हिफाजत होगी। औरतों के लिए पर्दा कोई कैद नहीं है बल्कि एज़ाज़ की चीज़ है, उनकी इज़्ज़त और आबरू की चीज़ है, उनकी इज़्ज़त बढ़ाने वाली चीज़ है, और पर्दा औरतों की तरक्की में कोई रुकावट डालने वाली चीज़ नहीं है। इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन मज़हब अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक हम तमाम को ज़िंदा रखें, ईमान की दौलत के साथ ज़िंदा रखें, और जिस वक्त हमारे लिए मौत का फ़ैसला फरमावें, ईमान वाली, अल्लाह की रजामंदी वाली मौत नसीब फरमाएं।